सब्जेक्टिव शीट नंबर 29 जो होमवर्क थी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेक्ट करो, 24 की जगह कितना आ रहा है 48 न्यूटन। किसी को कोई डाउट इसमें? डाउट है तो पूछ सकते हो प्लीज। ठीक है, 48 आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का 175 आंसर आया था? नहीं आया। कितना आ रहा है? आ रहा है 125। ठीक है, कितने लोगों को इसमें डाउट है? ठीक है, इसके अंदर f की वैल्यू गिवन है, आपको क्या निकालना है? दो मासेज हैं 30 एंड 50 केजी के, आपको टेंशन बतानी है जब फोर्स की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको हमेशा बताया टेंशन पेयर में एक्ट करती है TNT, फिर दोनों के दोनों मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। फ्री बॉडी डायग्राम 200 माइनस टी इज 30 इंटू ए और इसके लिए टी इज इक्वल टू 50 इंटू ए, इन्हें ऐड करेंगे TNT कैंसल, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 200 डिवाइडेड बाय 80, तो 5 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक ठीक है यहाँ तक? तो ऊपर 20 और 8 तो 4 से कट जाएगा, 2 और जो है 5। नेक्स्ट करना क्या है लेकिन, आपको आपको इसमें निकालना है टेंशन की वैल्यू, आपको इसमें निकालनी है क्या होगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पुट करेंगे, एक्सेलरेशन को यहाँ पे पुट करें 50 इंटू ए, तो 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या ही आंसर आ रहा है चेक करें प्लीज़, जो गिवन है आपका आंसर आ रहा है टी का आंसर आ रहा है। अगला पार्ट ये है कि अगर मैं 200 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट की जगह राइट लगाऊं तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा? आपने सॉल्व किया, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ लगाऊंगा चेंज हो रहा है। ओके, चेक करते हैं। तो ये मेरे पास 30 kg, ये मेरे पास 50 kg, मैंने फोर्स की वैल्यू को कहाँ लगाया, मैंने फोर्स की वैल्यू को अब मैंने 200 न्यूटन यहाँ पे लगाया। अब चेक करते हैं, अभी इसमें टेंशन क्या है TNT, अगेन फिर से ये इक्वेशन क्या बनेगी, 200 माइनस टी इज इक्वल टू 50 इंटू ए और ये इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू 30 इंटू ए। ए में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ए तो सेम रहेगा, आप कैंसिल कर ले TNT, ए सेम रहेगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी 20 डिवाइडेड बाय 8, उसको उठा के यहाँ पुट कर दें तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 30 इंटू 20 डिवाइडेड, हाँ टेंशन चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही थी 50 इंटू 20 बाई 8, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है 30 इंटू 20 बाई 8। इसका मतलब अगर मैं फोर्स को लेफ्ट की जगह राइट लगाऊंगा तो टेंशन की वैल्यू इस केस में चेंज होगी। कोई डाउट इसमें? तो दो आंसर सबके आगे थे, ठीक है, तो मेथड समझ में आ रहा है। तो टेंशन सेम नहीं रहेगी, क्या चीज़ सेम रहेगी, एक्सेलरेशन सेम रहेगी। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट हो गया, 3 क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, इसमें ये हो गया था डाउट है। इसके अंदर देखो दो स्ट्रिंग्स हैं, टेंशन डिफरेंट हो जाएगी, तो T1 T2 T2 ये हमने डिस्कस किया था, पूरा सिस्टम लेफ्ट मूव करेगा। आपको इसमें मासेस गिवन है, आपको इसमें एफ फोर्स गिवन है, तो पहली इक्वेशन इसके साथ बनेगी, क्या बनेगी, एफ माइनस T1 इज m इंटू ए, क्योंकि ये लेफ्ट मूवमेंट शो करेगा, T1 बड़ा है T2 छोटा है, तो सेकेंड इक्वेशन T1 माइनस T2 इज 3m इंटू ए और ये इक्वेशन भी लेफ्ट की तरफ है, तो T2 इज इक्वल टू 5m इंटू ए, इन्हें ऐड कर लें, T1 T1 T2 T2 कैंसल, इसका मतलब मेरी इक्वेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आप पहले सॉल्व करके a निकाल लें, उस a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो T2 आ जाएगा, उस a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो T1 आ जाएगा। क्या ये मेथड क्लियर है, कोई डाउट इसमें, हो गया था सबका? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं जुड़ी हुई हैं, ये दोनों तीनों ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं, कोई डाउट इसमें, कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर T1 T1, यहाँ पर T2 T2 या F1 F1 F2 F2 कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है यहाँ तक?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें डाउट, इसके अंदर टेंशन आपने क्या लेनी है देखो, क्योंकि इसमें तीन स्ट्रिंग्स हैं, एक दो और तीन, तो टेंशन डिफरेंट होगी। तो पूरा का पूरा सिस्टम आगे जा रहा है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, यहाँ पे टेंशन T1, तो यहाँ पे T1 इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ पे टेंशन T2, यहाँ पे T2 इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ पे टेंशन T3, यहाँ पे टेंशन T3 इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या स्टेप क्लियर है? लेफ्ट मूवमेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक हो गया। कितने ब्लॉक्स हैं? चार। कितनी इक्वेशन बनेंगी? चार, जितने ब्लॉक्स उतनी इक्वेशन। तो इसके अंदर इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट एफ माइनस टी वन इज एम इन टू ए, क्योंकि ब्लॉक राइट जा रहे हैं तो टी वन बड़ा टी टू छोटा, तो टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू एम इन टू ए। थर्ड ब्लॉक भी राइट जा रहा है तो टी टू माइनस टी थ्री इज एम इन टू ए, और लास्ट ब्लॉक के लिए टी थ्री इज इक्वल टू एम इन टू ए। मैं चेक कर सकता हूँ मेरी इक्वेशन सही है कि गलत है, जब मैं ऐड करूँगा अगर सारी टेंशन कैंसिल हो जाएं तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही है। यहाँ से ए आ जाएगा, ए आ गया, तो इन चारों इक्वेशन में पुट करके टी वन टी टू टी थ्री कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड क्लियर है सबको कि क्या मेथड लगाना है इसमें? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, पीछे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में डाउट। सेवन्थ के अंदर आपने इसमें टेंशन्स डिफरेंटली, और आंसर कितने लोगों का आ गया? किया क्या? यहां पे टेंशन T2 गिवन ही है, खैर इसमें डायग्राम कुछ करने की जरूरत नहीं है। याद रखना क्योंकि ये ब्लॉक्स डिफरेंट है, क्योंकि ये ब्लॉक्स डिफरेंट है, क्योंकि रस्सियां भी डिफरेंट है, स्ट्रिंग्स भी डिफरेंट है, टेंशन भी डिफरेंट है। तो इसका वेट आपने क्या बनाया यहां पर? 2G, और इसका वेट यहां पर क्या बनाया आपने? 4G। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा। ये ऊपर जा रहा है ए के साथ, ये इधर जा रहा है ए के साथ, और ये नीचे आ रहा है ए के साथ। तो जब इक्वेशन बनेंगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? टी वन बड़ा है और टू जी छोटा है, टी वन माइनस टू जी इज टू इन टू ए। क्योंकि ये राइट जा रहा है तो टी टू बड़ा है, टी वन छोटा है, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू एट इन टू ए। क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो 4G बड़ा है, टी टू छोटा है, 4G माइनस टी टू इज इक्वल टू 4 इंटू ए। इन्हें अगर मैं ऐड कर लूँ तो क्या मेरी टेंशन्स कैंसिल हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं, इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट है। सॉल्व करके ए निकाल लेना, ऐड करके ए आ गया, किन्हीं भी इक्वेशन में पुट करके टी वन टी टू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें हो जाएगा यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट में डाउट। डिस्टेंस पूछा है, कोई बात नहीं, आप एक काम करें, आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लें। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बड़ा वेट कितना है? 12G, छोटा वेट कितना है? 10G डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 प्लस 12। ये शॉर्टकट था, बड़े वेट में छोटा वेट माइनस करके नेट वेट अपॉन मास करके एक्सेलरेशन आ गई। तो हर ब्लॉक की एक्सेलरेशन सेम है, एक के ऊपर जाने की तो एक के नीचे आने की, लेकिन आपको तो एस निकालना है। तो यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, जीरो प्लस हाफ इन टू, सॉल्व करके यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रही है 0.89 आ रही है, तो 0.89 इन टू टाइम कितना है? 3 का स्क्वायर आंसर डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पहले तो एक्सेलरेशन ही आएगी, फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? ठीक, तो कहीं है ना सोचना डिस्टेंस निकालना सिखाया नहीं है, डिस्टेंस निकालने का नया फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ए निकालने का ही फॉर्मूला है, ए से जो निकालना है मोशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, मोशन इन वन डी, और अपना आंसर ले जाओ। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? तीन मासेस हमने किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें डाउट, देखो बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। इसके अंदर सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? इसका वेट जो कि कितना है? m1g।
फिर ड्रॉ करेंगे इसका वेट जो कि कितना है एम टू जी, फिर ड्रॉ करेंगे इसका वेट एम थ्री जी, फिर टेंशन, टेंशन पेयर में यहाँ पे टेंशन टी एन टी, यहाँ पे टेंशन टी एन टी, एक रस्सी एक टेंशन, पर यहाँ पे टेंशन भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन टी डैश एंड टी डैश। तो क्या ये रूल क्लियर है? पहला रूल, टेंशन अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग ड्रॉ करनी है, कोई डाउट इसमें? इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इसके ऊपर और इसके इमीडिएटली नीचे ये फोर्सेस बनेंगी, इस ब्लॉक के ऊपर और नीचे ये फोर्सेस बनेंगी, चेक कर लो। तो इमीडिएटली ऊपर नीचे, इमीडिएटली ऊपर नीचे और इमीडिएटली ऊपर नीचे ये फोर्सेस की वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेजिन करें ऊपर जा रहा है और ये दोनों के दोनों नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है तो टी बड़ा है, एम वन जी छोटा है, इज इक्वल टू एम वन इन टू ए, इक्वेशन नंबर वन। ये वाला एम टू ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे की जो फोर्सेज हैं ये फोर्सेज हैं माइनस टी इज इक्वल टू एम टू इन टू ए, इक्वेशन नंबर टू। तो नीचे की फोर्सेस माइनस ऊपर की फोर्स इज मास इन टू एक्सेलेरेशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है तो एम थ्री जी माइनस टी डैश इज इक्वल टू एम थ्री इन टू ए, इक्वेशन नंबर थ्री। मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी इक्वेशन सही है गलत है, तो मैं इन सबको ऐड करता हूँ, इक्वेशन कैंसिल, इसका मतलब सही है। अगर ये सही है तो मेरे पास क्या आएगा, एम टू जी प्लस एम थ्री जी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इन टू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी एम टू जी प्लस एम थ्री जी माइनस एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन एम टू एंड एम थ्री। मेरे हिसाब से अगर आपको किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन निकालनी हो, आपको ना डायग्राम बनाने की जरूरत है ना आपको इक्वेशंस की जरूरत है। सबको समझ में आ रहा है? क्यों, कितनों को समझ में आ गया? क्यों शॉर्टकट है ये? शॉर्टकट पता है कैसे है? राइट साइड पे टोटल वेट्स कितने लगे हुए हैं बोलो, एम टू जी प्लस एम थ्री जी, तो बड़े वेट है एम टू जी प्लस एम थ्री जी, और उधर से अपोज कौन कर रहा है एम वन जी, तो नेट वेट क्या हुआ, राइट के वेट माइनस लेफ्ट के वेट, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अगर किसी ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने को आ जाए, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत भी है, एक्सेलरेशन तो बिना पेन को हाथ लगाए आ जाती है। अब बात है टेंशन निकालने की, जैसे टी निकालना है, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं, टी माइनस एम वन जी इज एम वन इन टू, एक्सेलरेशन की जगह पुट कर दें पूरी की पूरी वैल्यू एम टू जी प्लस एम थ्री जी माइनस एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन एम टू एंड एम थ्री। और फाइनली इसके अंदर बस एक काम और कर लें, टी की वैल्यू निकालनी है तो टी को राइट साइड पे ले जाएं, एम वन जी प्लस यहाँ से जी कॉमन आ जाएगा एम वन जी, तो क्या बचेगा एम टू प्लस एम थ्री माइनस एम वन डिवाइडेड बाय एम वन एम टू एंड एम थ्री, ऐसे। फिर यहाँ से कॉमन आ गया एम वन जी, क्या बचा वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री माइनस एम वन डिवाइडेड बाय एम वन एम टू एंड एम थ्री। इसे सॉल्व कर लेना टी आ जाएगा, फिर ऐसे ही टी टू भी निकाल लेना, टी डैश निकाल लेना। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? तो एक्सेलरेशन तक तो कुछ करना ही नहीं है, एक्सेलरेशन तो वैसे ही ओरली आ जाती है, इक्वेशन बनानी सबको आती है, इन इक्वेशन में ए की वैल्यू को पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। कोई डाउट इसमें? हो जाएगा सॉल्व? ये आइडिया सबको क्लियर है कैसे करना है इसमें? ठीक, नेक्स्ट, खत्म हो गया।